ओ गाइस, आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोग कैसे कीबोर्ड माउस से फ्री फायर मैक्सॉफ प्ले कर सकते हो और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे, और आप लोग इसमें खेल सकते हो कि नहीं ये भी बोलेंगे। सो गाइस, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। फ्री फायर मैक्स ओपन कर चुके हैं, अभी कस्टम मोड के अंदर की मैपिंग करेंगे। ये मैंने रिसेट कर चुका है पहले से ही, तो अब इसमें की मैपिंग करेंगे। अब लोगों तो की मैपिंग करना आता है, मैं जल्दी जल्दी की मैपिंग कर लेता हूँ। की मैपिंग करने के बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं नॉर्मल की मैपिंग कर लिया हूँ। अभी मेन चीज़ साइड बटन, इसको खाली जगह पे रख दो। जॉयस्टिक ले लो, इसको भी एक आपका जॉयस्टिक काम नहीं करे तो बड़ा छोटा कर लेना, मेरा तो इतना ही रखूँगा। तो फायरिंग बटन ऐड कर लेते हैं। हमारा की मैपिंग कम्प्लीट, आप लोगों का दिखाएंगे ट्रेनिंग मोड पे। गाइस, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हम लोग ट्रेनिंग में आ चुके हैं। यहाँ पर एक मेन चीज़ है, आप लोगों का माउस टू रह गया, यहाँ पर कीबोर्ड का की सर्च कर देना, क्योंकि जो माउस का कर्सर बटन है, जो बटन आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट करोगे वही बटन आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ पर हाइडन होगा और स्क्रीन रोटेट भी होगा। इसमें प्रॉब्लम होता है, जॉयस्टिक पकड़ लेता है ऑटोमेटिक, और कभी कभी फायरिंग बटन भी अटक जाता है। ये सब प्रॉब्लम लेके आप लोग नहीं गेम प्ले कर सकते फ्री फायर मैक्स में। तो आपके पास कोई सा भी फ्रेंड है उसके पार्ट से फ्री फायर को ले लो, क्योंकि पांडा माउस ऐप से फ्री फायर मैक्स उतना मॉडिफाई नहीं किया है जितना फ्री फायर को किया है, और फ्री फायर नॉर्मल में उतना बहुत अच्छे तरीके से गेम प्ले कर सकते हो पांडा माउस से। या फ्री फायर मैक्स में खेल नहीं सकते, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों का फ्रेंड के पास से फ्री फायर को ले लो, उसमें बहुत अच्छे से की मैपिंग करो, आप पीसी की तरह गेम प्ले कर सकते हो उसमें, फ्री फायर मैक्स में नहीं कर सकते। तो सब प्रॉब्लम सुनने के बाद आप लोग का मन में कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, अब लोग कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।